प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोगों मसीह में आनंदित और आशीर्वादित हैं। ये जो वीडियो है आज का, ये मेरा नहीं है बल्कि सूरज प्रेमानी जी का है। उन्होंने जो भी लोग पास्टर बनना चाहते हैं या पास्टर बनने की इच्छा रखते हैं उनके लिए है। और इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कि पास्टर किन्हें बनना चाहिए और प्रभु किसको पास्टर बनाता है। उस बारे में प्रेमानंद जी ने इस वीडियो में कहा है। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पास्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। आगे का वीडियो आप देखिए। बहुत ही अद्भुत प्रचार किया है प्रभु के दास ने। इसे हम सभी विश्वासी लोगों को सुनने की जरूरत है। ओके, कम ऑन, शो मी योर बाइबल। मोबाइल नहीं, बाइबल। It's a holy Bible. He's not a holy phone. Okay? Okay, show me your Bible. Oh, praise the Lord. Kitne Bibles hai? Thank you. I hope aap padhte bhi honge. Okay. Mere saath kholiye Ephesians ki kitab. Okay, main aapke liye padh raha hoon pehla adhyay, chapter 1. Aur kisi ke paas agar angrezi Bible ho to mujh tak pahunchaiye please. If anyone have English, कोई भी बोले, हमारे पास एक्स्ट्रा माइक है, गौरंग को दीजिए। गौरंग, हाँ, बस मुझे सेकंड्स के लिए चाहिए ब्रदर, हम आपको वापस कर देंगे। मैं पहले हिंदी में पढ़ रहा हूं और उसके बाद गौरंग इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे। 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। आपकी बाइबल में ये वर्ड है, आत्मिक है ना, क्योंकि कुछ बाइबल्स में ये मिसिंग है इन दिनों में। आप जानते होंगे अभी कुछ बाइबल्स आई हुई हैं, उसमें राज्य पराक्रम महिमा ये वर्ड ही गायब है। सो जब भी आप बाइबल खरीदते हैं थोड़ा सोच समझ के खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इन दिनों में लोग गुम कर रहे हैं बाइबल में से। ओके, आत्मिक आशीष दी है। ब्रदर, रीड फ्रॉम मी। स्पिरिचुअल, कहिए स्पिरिचुअल। बाइबल दे दो उनका, पास कीजिए। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। डोंट वरी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे जस्ट आई नीड 45 मिनट्स। और उसके बाद अगर मुझे खुदा ने चाहा तो मैं जैसे लीड हुआ मुझे। और हाँ, मैं 3 डेज से किसी से मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि दो दो मीटिंग्स थी और मेरी कुछ जूम मीटिंग्स भी होती थी, तो मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन आज मैं मीटिंग के बाद यहीं रुकूंगा। मैं प्रेयर सबके लिए कर लूंगा, लेकिन आप में से कोई भी मिलना आना चाहता है आप आ सकते हैं। वी विल मीट। ओके, आइए सब सामने देखिए। अब बच्चों को शांत करवाइए। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। पौलुस की जितनी भी कलीसियाएं उसने बनाई थी, उन सारी कलीसियाओं को लीव करने के बाद उन कलीसियाओं में बहुत गड़बड़ियां हो गई थी। उसकी एक चर्च में तो पता नहीं क्या क्या था। कुरिन्थियों में जब तक वो वहां पर रहता था बहुत कलीसिया स्पिरिचुअल होती थी, लेकिन जैसे ही उसने चर्च को लीव किया कुछ कलीसियाओं में कुछ गड़बड़ियां आ गई, और उन गड़बड़ियों को सॉल्व करने के लिए पॉल ने लेटर लिखे उन्हें, जैसे कि गिलातियों की कलीसिया। ये एक ऐसी चर्च है जिसके अंदर लोग जीसस को भी फॉलो करते थे, 10 कमांडमेंट्स को भी फॉलो करते थे। दो चीजें एक साथ कैसे उठाई जाएंगी? यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे, अब मैं तुमसे कहता हूं, पुराने नियम की बहुत सारी बातें अब हमारे लिए नहीं है। जैसे कि अगर आप लेवी व्यवस्था पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि जब पाप होता है तो वो बलिदान करते हैं, अब वो तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि यीशु हमारे लिए बलिदान हो चुका है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, क्या मेरे लिए है क्या मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर जब पॉल को पता चला कि ये लोग खतना भी करवाते हैं, ये लोग ऐसा भी कर रहे हैं वैसा भी कर रहे हैं, तब पॉल को उन्हें लिखना पड़ा कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि तुमने आत्मा के अनुसार चलने को छोड़कर अब तुम वापस शरीर के अनुसार चल रहे हो। ये गिलातियो थी। आप एक और चर्च के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था कुलिसियो, उसमें एक अलग प्रॉब्लम थी। वो लोग दिनों और वारों को मानते थे, उन्हें लगता था कुछ दिन बहुत दिनों से बढ़कर हैं। जैसे भी आप जानते होंगे जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम भी कुछ डेज को ज्यादा बड़ा मानते थे कि नहीं ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं आपको बताऊं, नए नियम में सबत के दिन को भी इतनी वैल्यू नहीं दी गई है। आपको पता है ये बात?
क्योंकि अब परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपका खुदा एक ही दिन रहे, वो चाहता है आप उसके साथ सात के सात दिन चले। इट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप पढ़ के देखिए, आपको एक और चर्च मिलेगी जिसके अंदर फिलिप्पियो, कहिए फिलिप्पियो। हाँ, इसमें दो बहनें थी, वो एक दूसरे को मारती थी, पीटती थी, शायद से बाल खींचती थी। पॉल कहता है उन दोनों को समझा, वे दोनों एक बन रहे। इस कलीसिया के अंदर दो सिस्टर्स के बीच में बहुत प्रॉब्लम था। आप पढ़ के देखिए, उनके नाम भी हैं। उन दोनों बहनों के नाम लिखकर पॉल कहता है उन्हें समझा कि वे एक मन रहे। इस कलीसिया में लड़ाई झगड़ा था। कुरिन्थियों को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अजीब बातें थी। उसमें तो लिस्ट है हमारे पास, बहुत लंबी लिस्ट है, थोड़ी बताऊं। उस कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म था, कहिए ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म समझते, एक बंदा एक ही से बात करता है, चर्च से मिक्स नहीं होता है। एक बंदा एक ही से बात करता है और किसी से बात ही नहीं करता। जिसने मुझे सुसमाचार बताया मैं उसी से बात करूंगा। कुछ लोग होते हैं ग्रुपिज्म में बिलीव करते हैं, और यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं हमारे कलीसियाओं में ग्रुपिज्म खत्म हो, है ना, हम सब एक दूसरे के साथ रहें। कुछ लोग किसी से बात नहीं करते, जैसे मीटिंग पूरी होगी पास्टर बोलेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, निकल जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, किसी से नहीं मिलते। एक बात कहूं मैं आपसे, बुरा नहीं मानेंगे, सुनिए, अगर हर एक को आपसे प्रॉब्लम है ना तो अपना बिहेवियर चेक करना चाहिए। अगर एक को प्रॉब्लम है ना मेरे से तो चलता है, लेकिन हर एक को आपसे प्रॉब्लम है, अपना बिहेवियर चेक करना चाहिए कि कहीं मैं तो प्रॉब्लम नहीं हूं। अगर एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, अगर 2 फेल हो गए, टीचर की कोई गलती नहीं है, पूरा स्कूल फेल हुआ, टीचर को चेक करना चाहिए कि ये पढ़ाता भी है कि नहीं। आपने देखा था जब कभी कभी हम लोग स्कूल जाते थे हमारे टीचर सोती रहती थी, बाजी उठाओ, तो हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, वो हमेशा जैसे आती थी वो हमेशा कहती थी बच्चों ऐसे बैठ के, हाँ मुंह पे उंगली रखो, और हमें लगता था उसके बाद वो कुछ करेगी। मतलब क्या करती थी, ऐसे करके जैसे हम हो जाते थे सो जाती थी, आधा घंटा मतलब डिस्टर्ब मत करो मुझे सोने दो, और हम लोग आधा घंटा ऐसे बैठे रहते थे, और वो बहन ऐसी। मैं बहुत एब्सेंट रहता था। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा तू इतना डांडी क्यों मारता है, ये बॉम्बे की लैंग्वेज है, ओके, तू इतना कम क्यों आता है। तो मैंने मजाक मजाक में उसको बोल दिया रोज रोज आने से इज्जत कम होती है, you know? उससे मुझे ऐसा चाटा मारा था मेरे कान से आवाज आ गई सू। ओके बच्चों ये मत सीखो, हाँ ओके ऐसा नहीं, कल तुम लोग भी जाके बोलो कि रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। ओके नहीं नहीं रोज जाना पड़ता है भाई, ओके सब बातें फॉलो नहीं की जाती है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, इस कलीसिया में ग्रुपिज्म था, ग्रुप बनता था। दूसरी चीज, इस कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े थे, बोलिए लड़ाई, कहिए झगड़े। हाँ ये लोग बिल्कुल हमारी तरह थे, है ना, लड़ते थे झगड़ते थे, शाउट करके बात करते थे। एक दिन पौलुस को लेटर मिला तो बोलता है, उसमें लिखा था खिलोए से घर से पता चला है तुम में लड़ाई और झगड़े होते। चर्च के बाजू में एक लड़का रहता था, उसने पौल को बताया था ये लोग लड़ते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं बाद में उसकी कितनी पिटाई हुई होगी कि हमारी चुगली मारता है तू उधर। आप जानते हैं एक ही चर्च थी जिसको उसने ग्रोथ के लिए लिखा, वो एफिसियो थी। यू नो उसकी जितनी भी बनाई हुई कलीसियाएं थी ना, एक चर्च ऐसी थी जो ऑसम ऑसम वे से बढ़ रही थी, एफिसियो, जिसको वो 5:4 मिनिस्ट्री के बारे में लिखता है। उसी चर्च को एक बात कहता है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहता है खुदा ने तुम्हें मसीह में हर तरह की रूहानी आशीषें दी हैं। मेरी उर्दू में लिखा गया है उससे तुम्हें रूहानी बरकतें दी हैं, आशीषें दी हैं, स्पिरिचुअल, कहिए स्पिरिचुअल, कहिए आत्मिक। उन आत्मिक आशीषों में से एक आशीष मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आप सब तैयार हैं, रेडी, आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है खुदा ने मूसा को चुना और परमेश्वर ने मूसा को कॉल दिया और परमेश्वर ने मूसा से कहा तू मिस्र जा, मेरे लोग वहां गुलाम हैं, तू उन्हें वहां से निकाल लिया। आप सभी जानते होंगे
कि कैसे मूसा फिरौन के पास गया, उसने उनको वहां से निकाला। कभी आपके अंदर यह सवाल आया है कि परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना? इस दुनिया में इतने सारे और भी लोग थे। Why God chose Moses? Tell me. मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जानते हो परमेश्वर किस व्यक्ति को लीडर बनाने की कोशिश करता है? अगर आप में वो क्वालिटी हो, खुदा आपको बुलाएगा। और जानते हो लीडर के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होनी चाहिए? कहिए मेरे पीछे, लीडर के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो लीडर बनना ही नहीं चाहता, बनना ही नहीं चाहता। जो लीडर बनना चाहता है ना, मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, मेरे को चेयरमैन बनाओ, मेरे को ट्रेजर बनाओ, मेरे को पास्टर बनाओ, कभी मत बनना, नीचे बैठाओ, इधर इधर बैठाओ। हमेशा खुदा उन्हें उठाता है जो उठना चाहते ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है यही वो लोग हैं जिनके द्वारा मुझे महिमा मिल सकती है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, आपको मैं सच कहता हूं, आज लोग हैं ना बड़ा बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं लोग हमें देखें, हमारी हमारी चर्चा करें। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं कभी पास्टर नहीं बनना चाहता था, इसीलिए बनाया गया। हाँ बिल्कुल, कभी भी बड़ा बनने की इच्छा मत रखो। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोग हैं ना, मुखिया होते हैं बड़े बड़े, कुछ भी करो मेरे से पूछो। आपने देखा है घर के अंदर, मेरे से क्यों नहीं पूछा? अरे हो गया ना, पूछा क्यों नहीं, अरे पूछा क्यों नहीं। ओ अगर आप उनसे न पूछो कोई भी बात। एक बार एक चर्च के भाई ने मुझे कहा, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा तू प्राइम मिनिस्टर है, सब बातें मैं तुझसे पूछ के करूं? लीडर के अंदर सबसे, आप देखो मूसा लीडर नहीं बनना चाहता था। शाऊल को देखो, जब उसका चुनाव किया गया, जानते हो शाऊल क्या कर रहा था? छुप गया था, वो सामने नहीं आ रहा था। आप यर्मिया को देखो, वो अपने आप को लड़का समझता था, प्रभु ने उसको कहा तू लड़का है लेकिन ये मत बोल के मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। इतिहास है बाइबल का, जो लीडर नहीं बनना चाहते थे खुदा ने उन्हें ही बनाया। लीडर हम्बल होना चाहिए। अगर आपके कलीसिया के अंदर पोजीशन की बात पे अगर आप लड़ते हो, मुझे ये पोजीशन क्यों नहीं मिली, मेरे को क्यों नहीं मिला, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको पदवी मिल भी गई ना, खुदा उधर नहीं रहेगा, नहीं। परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है जो पदवी से ज्यादा उसके साथ रहने की डिजायर रखते हैं। पोजीशन रहे या ना रहे कोई बात नहीं, परमेश्वर रहना चाहिए, खुदा होना चाहिए, वो साथ होना चाहिए, गिर भी गए तो भी खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर ने मूसा को कहा तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। और जब मूसा उनके पास जाता है, किंग फैरो के सामने जाके बादशाह के सामने कहता है, फैरो लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन जाने ही नहीं दे रहा था। आखिर आप जानते होंगे कैसी कैसी विपत्तियां आई। एक दिन मेंढक अपनी पानी से निकले, फिरौन की दरबार में गए, हेलो बोल के चले आए। फिर परमेश्वर ने उनके ऊपर अलग अलग विपत्तियां डाली, लास्ट में प्रभु ने उनके पहलोठों को मारा और अंत में एक ऐसा काम हुआ, सब फैरो डिस्टर्ब हो गया और फैरो ने उस रात मोसेस को बुला के कहा निकलो, अब कोई नहीं चाहिए यहां पर। और बाइबल बताती है लाखों लोगों को निकालकर मूसा जब कनान की तरफ जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी थी, एक पहाड़ है सीने, और तुम लोग जब उस देश में जाओगे तुम इस पहाड़ के नीचे ठहरोगे। और सारे इसराइली वहां नीचे थे और मूसा ऊपर गया, और मूसा 40 दिन 40 रात बगैर खाना खाए हुए, वचन कहता है वो वहां पर ऊपर था। और जब वो नीचे उतरा, कुछ लोगों को लगता है वो सिर्फ 10 आज्ञाओं को लेकर निकला, नो सर, वो वहां से 600 से अधिक आज्ञाएं लेकर आया था। अब पढ़ के देखिए, 10 तो खाली लिखी हुई थी, एक पे छे एक पे चार, चार बताती थी अपने परमेश्वर की इज्जत कर और छह बताती थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, 2 टैबलेट्स। और जानते हो उसके बाद मूसा ने आगे चल के खुदा के द्वारा कुछ ऐसी बातें उन्हें कही जो आज आपको समझनी पड़ेंगी। लिसन, जब मूसा ने और वो आगे बढ़ा तो उसने उन्हें कुछ बातें कही। पहली बात उसने कहा, यदि तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो ये सारी आशीषें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये सब तुम्हें मिलेंगी।
लेकिन अगर तुमने अपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो ये सारे श्राप न चाहो तो भी आप पड़ेंगे। और जानते हो उसने आशीष क्या क्या बताई? उसने आशीष कही, अगर तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो वो समय समय पर तुम्हारे खेतों पर मेह बरसाएगा। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो तुम सारी जातियों में धन्य ठहरोगे, आशीषित। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, तुम्हारी औरतों को कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं गिरेंगे। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारी टोकरियां धन्य होंगी, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो याद रखना, तुम्हारे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, खुदा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। ये सारी बातें बोल बोल के उसने उनको बताया। अब आराम से पढ़िए ये जब ये आशीषें, इन आशीषों में एक भी आशीष स्पिरिचुअल नहीं है, सब जिस्मानी। आज भी आप यही प्रचार सुनते होंगे बहुत लोगों से, मैन सेंटर्ड गॉस्पल, तुम्हें क्या मिलेगा? मैन सेंटर्ड गॉस्पल। मैं छत्तीसगढ़ में था, एक परमेश्वर के दास के साथ सेवा कर रहा था। मैं प्रचार कर रहा था सुबह कि प्रभु तुम्हें आत्मिक आशीष देगा। वो शाम को प्रचार कर रहे थे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और एक दिन ऐसा आया जब 2 दिन पूरे हुए, हम लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने मुझसे फीडबैक मांगा। उन्होंने कहा, ब्रदर आपको मेरा प्रचार कैसे लगा? मैंने कहा, ब्रदर बहुत अच्छा था, लेकिन एक शिकायत है। बोला, क्या शिकायत है? मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं लोगों को पुरानी वाचा से पकड़ पकड़ के नई वाचा में लेके आता हूं और आप लोगों को पकड़ के नई वाचा से वापस पुरानी वाचा में ले जाते। क्या मतलब? मैंने कहा, पास्टर हम लोग बोलते हैं ये सारी ब्लेसिंग्स, क्या हम लोग आत्मिक आशीषों के लिए कुछ बात करते हैं? बोलो, अगर आज भी प्रभु की उपस्थिति से ज्यादा, अगर मैं कहता हूं प्रभु की उपस्थिति में हम चलें और आपके मुंह से वाव नहीं निकलता, लेकिन अगर मैं आईफोन 14 की बात करूं आपके वाव निकलता है, तो आप कौन हो? जिस्मानी हो कि रूहानी हो? जिस्मानी हो। अगर आज मैं आपको कहूं कि परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर अभिषेक हो, लेकिन मैं बाद में कहता हूं प्रभु यह भी चाहता है कि आपको 3 माले का अपना नया घर मिले, वो ताली नहीं बजा रहे लोग। कोई बात नहीं बाबू, उठाइए, ले ले ले, कोई बात नहीं, बच्चे हैं भैया, कौन, आइए सब यहां देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिए, जिस किसी को आप सुनते हैं वो आपके फ्लैश को फीड कर रहा है कि आपकी स्पिरिट को? टेल मी, जिस किसी को भी आपने अपना लीडर चूज किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आपके जिस्म को खिला रहा है कि आपकी रूह को? मूसा को देखिए, वो किसी बात में गलत नहीं था, लेकिन जो कुछ वो कह रहा था उसमें कोई भी आत्मिक आशीष नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ शरीर को खुश करने वाली बातें हैं। कभी आपने देखा है जहां चमत्कार प्रचार होते हैं वहां पर अधिक भीड़ क्यों होती है? कभी आपने सोचा है? एक है ना, एक अहमदाबाद में ना हम सब मिलके है ना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, चंगाई सभा। बोलो बाजू वाले को, चंगाई सभा। हाँ, आपको पता है ये हॉल आज कितने बजे फुल हो गया था ब्रदर? शुरू से, वो सुबह से भर जाएगा अंकल, सुबह से भर जाएगा, सुबह 8-9 बजे लोग आके बैठ जाएंगे। वो बेचारे गलत नहीं है, लेकिन आपने लिखा ही है चंगाई सभा। अभी क्या करते हैं, सब लोग जमा हो जाएंगे ना, शाम को बैनर चेंज करते हैं, इधर लिखते हैं कल हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिन जिनको अपना घर चाहिए। अगले दिन है ना, विश्वास करो कुछ लोग यहां से घर जाएंगे ही नहीं, उनको डर रहेगा कल जगह मिलेगी कि नहीं। ओ, इससे डबल पब्लिक बैठ जाएगी। फिर है ना, हम लोग फिर से बैनर चेंज करते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं यहां पर कल की सभा उनके लिए है जिनको भी बहुत सारे पैसे बरकत चाहिए, छप्पड़ फाड़ के। कितने लोग आएंगे? कोई हाथ नहीं उठा रहा, मुझे पता है अंदर से सबके हाथ ऊपर है। यू नो, एक बच्चा था, वो ऐसे खड़ा था, बाप ने बोला बैठ, नहीं नहीं बैठूंगा, बैठ, नहीं 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 बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। बाप ने बोला बैठ, पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। ये वो वाला काम है, पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। तीसरी सभा कौन सी? जिसको पैसे चाहिए, बरकत चाहिए, हॉल में आ जाओ, ये सीलिंग तोड़ के थैली गिरेगा तुम्हारे ऊपर। करते ना आजकल अनॉइंटेड, अनॉइंटेड। किसी ने मुझे क्या बोला था, हाँ किसी ने मुझे बोला था टीवी पे, एटीएम के ऊपर मेरा तेल डाल दे, वो कार्ड के ऊपर,
मेरा मन कर रहा था मैं डाल दूं। पता नहीं क्या क्या प्रचार होता है आजकल। एक पास्टर आया, उसे टीवी पे खड़े होकर बोला, अगर तुम पैसों की बरकत चाहते हो अपना कार्ड निकालो। मैंने ऐसे निकाल लिया। अब एक काम करो, मेरा खरीदा हुआ तेल इसके ऊपर डाल दो। मैंने वापस रख दिया। एक्चुअली वो कार्ड है ना, बहुत मुश्किल के बाद बैंक ने दिया था। मेरे को डर लग रहा था वापस खराब हो जाएगा, कौन लाइन में खड़ा होगा। लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोग करेंगे। हाँ, आपको पता है, मैं एक जगह पे गया, वहां पर पास्टर को पैर पड़ रहे थे। पास्टर रोक नहीं रहा था, पास्टर को पैर पड़ रहे, वो पापा 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 मम्मी मम्मी, पास्टर रोक नहीं रहा है, पास्टर आराम से पैर दे रहा है। ये हाल है हमारे। प्रभु का अनुग्रह है, आपको बहुत अच्छे अगुए मिले हैं। आइए तालियां बजाइए इन लोगों के लिए। आप जानते हैं अहमदाबाद में अच्छे लीडर्स हैं। पता नहीं क्या क्या होता है, पैर पड़ो पैर पड़ते, पापा मम्मी। एक जगह मैंने देखा ऑयल ऑयल बिक रहा था। आप देखो, जब वो मंदिर में आया उसने क्या देखा, कबूतर बेच रहे थे। पवित्र आत्मा का प्रतीक है वो, तेल भी प्रतीक है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर अभिषेक के लिए पैसे मत दो, वो फ्री है। इट्स फ्री, किसी को भी एक रुपया देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम किसी ऑनर में कुछ देते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आके कहता है आओ ले हैंड प्रेयर, आओ मैं तुम पे हाथ रखेगा, 25,000 रुपया हाथ रखने का लेगा, मैं बूटी कौड़ी ना दू। पैसे, प्रार्थना के पैसे। आप 2000 साल पहले यहां होते और पत्रस को कहते ना जाके, पास्टर जी ये पैसे लो, हाथ रख दो मुझे अभिषेक मिले। वो आपके ऊपर हाथ नहीं रखता, वो आपको कहता तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। व्हाट अ पीपल, क्या लोग थे वो, क्या परमेश्वर के लोग थे वो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। विश्वास करता हूँ कि जिस तरह मैं आशीषित हुआ हूँ इन वचनों द्वारा, उसी तरह आप भी आशीषित हुए हो। आप भी मेरी तरह बहुत कुछ सीखे होंगे इस वचनों द्वारा। ऐसे ही प्रभु के दास के किए हुए प्रचार के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी के साथ है।